वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर ब्रिटिश वर्सेस अदर फॉरेनर्स, ब्रिटिश बनाम अन्य विदेशी। इसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ने कैसे कैसे फाइट किया बाकी फॉरेनर से जो आ चुके थे इंडिया में, जैसे कि पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, फ्रेंच हो गया। इनसे उन्होंने कैसे फाइट किया और कौन कौन से ब्रिटिश वॉर नेम, कौन कौन से लड़ाई इंपॉर्टेंट है, उनके डेट्स क्या क्या है, ये सब डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पुर्तगाल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पुर्तगाल सबसे पहले इंडिया में आया था, और पुर्तगाल के जो थे वास्को डा गामा, उन्होंने इंडिया डिस्कवर किया था, तो इंडिया का रूट उनको ही पता था, तो वो पुर्तगाल के थे। और ऑब्वियसली पुर्तगाल इंडिया में सबसे पहले आया। और पुर्तगाल के अगर वायसराय देखा जाए तो उनके वायसराय, पहले वायसराय का नाम था अल्मीडा। अल्मीडा सबसे पहला वायसराय बनाया था पुर्तगाल ने इंडिया में, तो उन्होंने फॉलो किया था ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब होता है वो अपने कोस्ट गार्ड बहुत ज्यादा सख्त कर लेना, ताकि कोई बाहर के कंट्रीज के कोई आ ना पाए। इंडिया कोस्टल एरियाज बहुत बड़ा था, और अल्मीडा हमेशा चाहता था कि इंडिया के बारे में किसी और को पता ना चले, और इसमें वो काफी सफल भी हुआ था। ये पुर्तगाल के बाद डच आए थे, जो करीब 100 साल के बाद इंडिया पे आए थे, तो ये कोस्टल नेवी स्ट्रॉन्ग करना अल्मीडा से सीखा था ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स ने ये काफी फॉलो भी किया था। उसके बाद वायसराय बने थे अल्बर्ट क्यू। अल्बर्ट क्यू सबसे पहले उन्होंने गोवा जीत लिया था और अपना कैपिटल कोचीन में एस्टेब्लिश करा था। अल्बर्ट क्यू फॉलो करते थे 3G स्कीम। ये 3G स्कीम, ये अंबानी वाला जियो मोबाइल के 3G स्कीम नहीं है, ये 3G स्कीम का मतलब कुछ अलग है। इसका मतलब है गोल्ड ग्लोरी, सॉरी गॉड ग्लोरी और गोल्ड। गॉड से मतलब हम लोग समझते हैं कि वो लोग जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, और गोवा में वो लोग क्रिश्चियनिटी, सिर्फ गोवा नहीं पूरे इंडिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ये लोग बहुत कोशिश किए थे। ग्लोरी ग्लोरी, ये अल्बर्ट क्यू सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता था ग्लोरी, वो हमेशा पूरे पुर्तगाल के लिए चाहता था। और पुर्तगाल की ग्लोरी तभी बढ़ती जब वो लोग इंडिया पे अपना कंट्रोल बना पाते, और इंडिया के जितने ट्रेड रूट्स हैं वो सब अपने कंट्रोल में लाते। गोल्ड, गोल्ड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब हो गया प्रॉफिट, कि जितना भी इंडिया से ट्रेड करेगा पुर्तगाल, उनका मेन एम रहेगा फेयर ट्रेड। नहीं, फेयर ट्रेड मतलब एक सही दाम पे चीजें देना, फेयर ट्रेड करना नहीं, उसका मतलब प्रॉफिट था। अल्बर्ट क्यू का इंडिया से ट्रेड करने का सिर्फ एक ही मतलब था, वो था प्रॉफिट। उसके बाद वायसराय बने थे डॉम गार्सिया डी नोरहा। ये तीनों वायसराय सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी भी वायसराय बने थे पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले बन गए थे अल्मीडा, फिर अल्बर्ट क्यू, और तीसरे बने थे डॉम गार्सिया डी नोरहा। डॉम गार्सिया डी नोरहा ने कैपिटल चेंज कर दिया, उन्होंने कैपिटल बना दिया गोवा में। 1535 में उन्होंने दमन जीता, अब 1559 में उन्होंने दीव जीता था। ठीक है, आप देखेंगे इंग्लैंड ने कैसे पुर्तगाल पे जीता, पुर्तगाल से इंडिया लिया। अब पुर्तगाल बहुत स्ट्रांग बन गया था, क्योंकि पुर्तगाल इंडिया में सबसे पहले आ गया था, और पुर्तगाल को इंडिया से हटाना बहुत मुश्किल था। इसलिए हम हिस्ट्री में भी देखेंगे कि पुर्तगाल इंडिया से लास्ट फॉरेनर ग्रुप था जो गया। तो इंग्लैंड ने दूसरा एक रास्ता अपनाया, जो है मैरिज ट्रीटी। ये मैरिज ट्रीटी ऐसा नहीं था कि पहली बार यूज किया गया था, या फिर सिर्फ यूरोपियंस यूज करते थे, ये इंडिया में भी काफी यूज होता था। इसको बोला गया था एंग्लो पोर्तुगीज ट्रीटी। ये साइन हुआ था 23 जून 1661 में। इसमें डिसाइड किया गया कि चार्ल्स टू, जो कि इंग्लैंड के राजा है, इंग्लैंड या फिर ब्रिटिश के राजा है, और कैथरीन जो कि पुर्तगाल की रानी है, इन दोनों में शादी हो जाएगा। और शादी में एज अ डाउरी इंग्लैंड को बॉम्बे दिया जाएगा। बॉम्बे हालांकि पुर्तगाल का नहीं था, पर तब भी उन्होंने डाउरी में पुर्तगाल दे दिया, बॉम्बे उनको दे दिया पुर्तगाल ने। बाद में चार्ल्स टू ने बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब ये समझते हैं, आपने पहले के स्लाइड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि गोल्डन फरमान दिया था फारूक सियर ने। गोल्डन फरमान दिया था फारूक सियर ने, फारूक सियर जॉन सरमन को, जॉन सरमन को। ये गोल्डन फरमान के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें से पहला तो ये है कि उनको सूरत मिल गया। सूरत में वो चाहे जितना भी ट्रेड करना चाहे, सूरत उनका था। दूसरा
दूसरा उनको बंगाल मिल गया था कि बंगाल में चाहे वो जितना भी ट्रेड कर सके, और एट द एंड ऑफ द ईयर उनको फारूक सियर को 3,000 रुपीज देना पड़ता था और सूरज के लिए 10,000 रुपीज देना पड़ता था। और तीसरा उनको मिल गया कि इंग्लैंड की जितने भी कॉइन्स है वो इंडिया में यूज हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम लोग इंडिया का मैप एक रफ मैप देंगे तो फिर सूरत आपका ये वेस्ट कोस्ट हो गया और बंगाल में वो लोग ईस्ट कोस्ट मिल गया उनको। अब कोस्टल आर्मी बहुत उनको स्ट्रांग करना है ताकि बाहर से कोई भी यूरोपियन कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज जो भी आए वो नहीं आ सके। अब साउथ में अगर देखा जाए तो फिर आप लोग पढ़ेंगे कि बॉम्बे पोर्ट सबसे पुराना पोर्ट था, तो बॉम्बे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो भी यूरोपियन कंट्रीज आती वो वेस्ट से आती ना कि ईस्ट से, क्योंकि ईस्ट में सब एशियन कंट्रीज है। तो फिर यूरोप जितना भी आता इधर से आता बेस्ट तरीके से, और बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पर कोस्टल आर्मी को स्ट्रांग कर लेना ताकि इनसे लड़ाई कर पाए। बाद में चार्ल्स टू ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दे दिया। अब समझते हैं क्यों दिया चार्ल्स टू, क्योंकि इंग्लैंड और पुर्तगाल में रिलेशंस अच्छे थे, तो अगर पुर्तगाल चाहता है इंडिया में एंट्री करना तो वो मना नहीं कर सकता था, पर जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया तब ईस्ट इंडिया कंपनी मना कर सकती थी दूसरा कोई कारण दिखा के, और चार्ल्स टू बोल सकते थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का डिसीजन है और इसमें वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया सिर्फ 10 पाउंड के एक्सचेंज पे। फिर आता है डच। डच के साथ ब्रिटिश के काफी लड़ाई हुए थे पर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, वॉर इन बेदारा। ये हुआ था 1759 में बंगाल में हुआ था, और इसमें डच हार गया था इंग्लिश से, और डच हार गए थे ब्रिटिश से, और डच का वर्क इंडिया में खत्म हो गया था और इंडिया से डच को हटा दिया गया था। इसके बाद आते हैं उनके मेन राइवल फ्रेंच। जैसा कि मैंने पहले बताया था यूरोपियन कंट्रीज जो सारे थे वो सब अपने आप को सुपीरियर समझते थे और हमेशा वर्ल्ड डोमिनेशन करना चाहते थे, वो समझते थे व्हाइट स्किन सबसे सुपीरियर है और सभी उनके नीचे रहना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज में जब ये लड़ाई हुआ तब लास्ट में दो ही बच गए, एक है फ्रेंच और दूसरे है ब्रिटिश। तो दोनों ने चाह वर्ल्ड डोमिनेशन करने के लिए, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया पे डोमिनेट करना। तो जब फ्रेंच इंडिया में आए तब लुईस XIV राजा थे, इंडिया में फ्रेंच आए 1664 में और फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया सूरत में 1668 में। फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया 1668 में सूरत में। ये जगह इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड फैक्ट्री सेटअप किया उन्होंने मछलीपट्टनम में 1669 में। 1673 में उन्होंने पॉन्डिचेरी पे कैप्चर कर लिया, और 1674 में उन्होंने चंद्रनगर जो बंगाल में है उस पे कैप्चर कर लिया। आप समझते हैं ये जगह इंपॉर्टेंट क्यों है। गोल्डन फरमान जो कि इंग्लिश को मिला था उसके मुताबिक उनको सूरत मिला था, बंगाल मिला था, ठीक है, और उनको मुंबई बाद में उन्होंने ले लिया था, बाद में मुंबई ले लिया था। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंच भी सूरत में आ गए और ये चंद्रनगर जो है इससे उन्होंने वेस्ट बंगाल पे एरिया कैप्चर कर लिया। पॉन्डिचेरी से उन्होंने साउथ में अपना एक जगह भी बना लिया था। बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि पॉन्डिचेरी में इंग्लैंड ने भी एक फोर्ट बनाया था। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच हमेशा लड़ाई चलते रहता था और एक दूसरे से कंपटीशन चलते रहता था। अदर एरियाज की अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट था उनके लिए वो है कराईकल और माहे। तो लास्ट में देखते हैं फ्रेंच कैसे इंडिया से चले गए। कार्नेटिक वॉर्स, कार्नेटिक वॉर्स हुए थे टोटल थ्री, और लास्ट कार्नेटिक वॉर जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था उसमें फ्रेंच हार गए थे और उनको इंडिया से जाना पड़ा था। इसके लिए हम चार रो बनाएंगे, पहले में लिखेंगे ईयर, दूसरे में लिखेंगे रीजन या फिर कारण, पीस ट्रीटी और वॉर नेम, जो भी युद्ध था उसका क्या नाम था। पहला जो कार्नेटिक वॉर हुआ था वो 2 साल के लिए हुआ था, 1746 से 1748। ये लड़ाई हुआ था एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया को लेके। यूरोप में एक छोटा सा कंट्री है ऑस्ट्रिया, फ्रेंच और इंग्लैंड या फिर ब्रिटिश दोनों चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया पे उनका कब्जा हो, इसलिए वहां यूरोप में लड़ाई स्टार्ट हो गया था। यूरोप में जब लड़ाई स्टार्ट हुआ था
इसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ा था, और इंडिया में भी जैसा आप देख सकते हैं 2 साल तक ब्रिटिश और फ्रेंच में लड़ाई हुआ था। ये खत्म हुआ था आयर्सला डी चैपले, ये एक यूरोपियन पीस ट्रीटी हुआ था जिसके बाद सिर्फ यूरोप में नहीं इंडिया में भी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ाई रुक गई थी। सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ था 1749 से 1754 तक। ये हुआ था हैदराबाद और कर्नाटक के किंग के डिफरेंस में, क्योंकि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों किंग अलग अलग सोचते थे और ब्रिटिश और फ्रेंच ने अलग अलग किंग को सपोर्ट किया। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। औरंगजेब जब मर गए थे उसके बाद जितने भी मुगल एम्परर्स आए वो सब काफी वीक थे। एक स्लाइड ले लेता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझा पाऊँ ये चीज। जब औरंगजेब मर गए थे तब मुगल काफी वीक पड़ गए थे और जितने भी राजा थे वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे पूरे इंडिया पे, तो आस्ते आस्ते बाकी जो रीजन है वो सब फ्री होने लगी। ऐसे ही करके नासिरुल जंग ने डिक्लेयर कर दिया कि हैदराबाद अब मुगल के अंडर नहीं है और एक वो फ्री रीजन है। हैदराबाद जब फ्री रीजन हो गया नासिर जंग के मरने के बाद, नासिर जंग के जो बेटे थे, नासिर जंग के बेटे और नासिर जंग के पोते के बीच लड़ाई हो गया कि हैदराबाद के राजा कौन बनेंगे। तो इसके लिए ब्रिटिश और फ्रेंच को मौका मिल गया कि उन्होंने एक एक राजा को सपोर्ट किया। ब्रिटिश ने उनके बेटे को सपोर्ट किया और फ्रेंच ने उनके पोते को सपोर्ट किया हैदराबाद जीतने के लिए। पर उनका मेन मकसद यही था कि जो भी जीते या ना जीते उनका कंट्रोल बन जाए साउथ इंडिया पे, और इसके लिए दोनों ने एक एक किंग को सपोर्ट किया। पर एट द लास्ट ये पौंडीचेरी पीस ट्रीटी साइन हो गया दोनों के बीच और लड़ाई रुक गई थी। इस लड़ाई का नाम था सीज ऑफ आरकोट। ये लड़ाई का नाम सीज ऑफ आरकोट, और ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर चला था 5 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर, जिसके कारण से थर्ड कार्नेटिक वॉर एंड द फाइनल कार्नेटिक वॉर, जिसके कारण से ब्रिटिश को इंडिया छोड़ना पड़ा था। ब्रिटिश बोल रहा हूँ, सॉरी, फ्रेंच को इंडिया छोड़ना पड़ा था। ये हुआ था 7 वर्स ऑफ वॉर इन यूरोप। यूरोप में 7 साल तक लड़ाई चला था ब्रिटिश और फ्रेंच में, और जैसे कि आपने पहले ही देखा यूरोप में जब लड़ाई चलता है तब इंडिया में भी उसका इफेक्ट पड़ता है ऑब्वियसली, और इंडिया में भी ये लड़ाई चलते रहा था 7 साल तक। पर इसके लिए पेरिस ट्रीटी साइन हुआ था। इस लड़ाई में आपके फ्रेंच हार गए थे और इंग्लैंड जीत गया था, तो पेरिस ट्रीटी साइन हुआ था इन दोनों के बीच में। पेरिस ट्रीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फ्रेंच को इंडिया छोड़ना पड़ा था और इंग्लैंड ब्रिटिश को पूरा इंडिया मिल गया था। इस लड़ाई का नाम याद रखिएगा, इसका नाम था वांडी वाश। एक इसी तरीका ये है, वाश मतलब खत्म हो गया, एकदम धुल गया उसका लड़ाई, तो इसका नाम है वांडी वाश का लड़ाई। और जो जनरल थे इंग्लिश के तरफ लड़ाई कर रहे थे आयरकोट, और फ्रेंच से लड़ाई कर रहे थे काउंट दे लाली। ठीक है, इंग्लिश से लड़ाई कर रहे थे आयरकोट और फ्रेंच काउंट दे लाली। अब इसे एक बार समझ लेंगे समरी को। अगर हम लोग देखें ब्रिटिश, ब्रिटिश का मेनली 3 कॉम्पिटिशन था, उसमें थे पोर्तुगल, डच और थे फ्रेंच। पोर्तुगल से उन्होंने मैरिज ट्रीटी कर लिया चार्ल्स ने, चार्ल्स जो कि इंग्लैंड के राजा थे और कैथरीन जो कि पोर्तुगल की रानी थी उनसे मैरिज ट्रीटी कर लिया। तो फिर पोर्तुगल ने इंडिया का ज्यादातर कंट्रोल ब्रिटिश को दे दिया। डच के साथ उनकी काफी लड़ाई हुई थी, पर इंपॉर्टेंट एक ही है, बैटल ऑफ बेदाड़ा, जिसमें डच को उन्होंने हरा दिया था और डच का इंडिया से रवाना कर दिया था। उसके बाद आए हैं फ्रेंच। फ्रेंच उनके सबसे बड़े राइवल थे, पर 7 वर्स ऑफ यूरोप जब चल रहा था तब उन्होंने साइन किया था पेरिस ट्रीटी, जिसमें की था कि फ्रेंच इंडिया से चले जाएंगे और इंडिया चला जाएगा ब्रिटिश के पास। इनके जनरल के नाम इम्पोर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। इंग्लिश थे आयरकुट और फ्रेंच थे काउंट दे लैली, और इंडिया में जो लड़ाई हुआ था उसका नाम था वैंडी वॉश वॉर। तो आज के लिए बस इतना ही तक। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।